सनकी आशिक है, तो ऑफकोर्स फिल्म मारधार से भरपूर है। इन्होंने बता ही दिया है कि साउथ का टच हम लोग रखेंगे मारधार के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए, मज़े मस्ती के लिए, थोड़ा मजाक के लिए मैं हूँ। मेरे साथ संजय वर्मा जी हैं, मेरी भी एक हीरोइन है, संजय की भी हीरोइन है। हम लोग सब इसमें बस एज यूजुअल मस्ती करेंगे, कॉमेडी करेंगे। इनके दोस्त हैं सनकी आशिक, यही बने हैं, विराज भट्ट जी हैं और इनके साथ और दूसरी हीरोइन भी हैं। तो मिला जुला के पारिवारिक फिल्म है, लेकिन वही कि आशिक कैसे सनकी हो जाता है और सनक क्यों जाता है, इसी पर आधारित है। सर मेरा सवाल आपसे, पोस्टर में सनकी आशिक का पोस्टर काफ़ी एक्शन लग रहा है, कॉमेडी कहा जा रहा है, कॉमेडी भी है, तो उसमें कॉमेडी पता है कि किस तरह का कॉमेडी होगा? रात को इन्होंने फाइनल किया है, सो ये आप अभी इस डिज़ाइन पर मत जाइए, अभी डिज़ाइन बनेगा, प्रॉपर डिज़ाइन बनेगा। ये एक सिर्फ मुहूर्त के लिए फ़िलहाल बना के इन्होंने यहाँ पर रख दिया है, पर एक प्रॉपर स्टोरी के हिसाब से डिज़ाइन बनेगा, पोस्टर बनेगा जो आपको अच्छा दिखाई देगा। डिज़ाइन देखकर, पोस्टर देखकर फिल्म, मतलब ऐसा नहीं कि फटा पोस्टर निकला हीरो, कोई वैसा नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉपर पोस्टर है। हमार पहली फिल्म बाटे जोने फिल्म के नाम बा सनकी आशिक। एमा सनकी आशिक का किरदार हमार बाटे और बाकी के लीड में विराज भट्ट जी हैं और आप लोगों के भरपूर मनोरंजन देवे खातिर के, भरपूर कॉमेडी के लिए हमारे के गोस्वामी जी हैं और इनके साथ कॉमेडी में संजय वर्मा जी हैं जो आप लोगों को भरपूर कॉमेडी का मनोरंजन देंगे। और दर्शक लोगों से हम ये चाहब कि जौन हमार फिल्म आवत बाटे एके हर लोगन के तरह ये फिल्म के भी आप लोग प्यार दुलार दिहल जाए। आप लोगों से हाथ जोड़ के रतन लाल यादव की तरफ से ये कामना बाटे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जब ये पिक्चर रिलीज हुई तो आप लोग आ करके और ये फिल्म के देख के सफल बनाल जाए। जौना में आप लोगों के मनोरंजन में सब कुछ देखे के मिली, सब कुछ मनोरंजन से भरपूर बाटे, फाइट भी ज़बरदस्त बाटे जो साउथ एक्शन में देखे के मिली। मनोरंजन में और भी रोमांटिक से लेकर के सब कुछ सीन बाटे, गाना भी एक से एक बाटे जोना में छोटे बाबा जी अपन भरपूर म्यूजिक का ताकत लगावत बाड़े। अभी आज तो मुहूर्त हुआ है, अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, आज पहला दिन है इस फिल्म से रिलेटेड। जो भी इसके बाद अभी हम लोग स्क्रिप्ट के पे इन्होंने जो डायरेक्टर साहब ने हमारे काम किया है उसके बाद उसमें जो सिचुएशन मिलेगा हमको उस पर हम लोग बैठ के काम करेंगे और हमारी ये कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छे संगीत जो स्क्रिप्ट के अनुसार बनाए, जो दर्शकों को, श्रोताओं को पसंद आए, अच्छा लगे। अभी बैठ के हम लोग इस पर डिसाइड करने वाले हैं क्या क्या होने वाला है। अभी ये पहला दिन है, अभी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को धन्यवाद दूंगा जिसने इस काबिल समझा कि मैं इस फिल्म को डायरेक्ट करूं, और हर हर महादेव प्रोडक्शन को भी। बस यही है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बने, दर्शकों को पसंद आए, क्योंकि इस फिल्म को जो मैंने देखा है, स्क्रिप्ट देखी है, बहुत अच्छा है। एक तरह से बोला जाए तो सोच बदले समाज बदलेगा वैसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आदमी ये मूवी देखता है उसकी भी सोच भी बदलेगी और उसके साथ समाज भी बदलेगा। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे मैं सहनिर्माता और एक्टर भी हूँ, अभिनेता भी हूँ। तो जब भी अनिल मिश्रा ने मेरे को स्टोरी सुनाई तो मैं रतन भैया के पास गया, तो स्टोरी अच्छा लगा तो हम लोग ने बोला इस पर वर्क करेंगे, कुछ अलग डिफरेंट स्टोरी। मैं भी इसमें सेकंड मीट कर रही हूँ, जो वो सनकी आशिक है उनकी गर्लफ्रेंड बनी हूँ। तो फिल्म है सनकी आशिक, एक समझे कि रियल बेस पे आधारित है और ये आशिक ऐसा आशिक नहीं कि जो सिर्फ लड़की के लिए पागल है। एक सनकी आशिक एक करेक्टर है जो हर चीज़ के लिए सनकी है, चाहे लोगों की भलाई करना हो या किसी तरह की प्रॉब्लम है किसी को, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो फिल्म का करेक्टर है हीरो, वो हमेशा तैयार रहता है। बस हम तो इंसानियत के सनकी है कि जो इंसान है एक दूसरे से प्रेम करे, अच्छे से रहे, बस इसी के सनकी हैं हम लोग। सनकी आशिक के टाइटल से आप समझ सकते हैं कि वो जो आशिक है वो सनकी है वो सनकी अपने प्यार के मामले में हो सकता है, वो सनकी अपने करियर के बारे में हो सकता है, सनकी है वो, लेकिन किस चीज़ में है उसको रहस्य रहने दिए तो ज़्यादा अच्छा है ताकि पब्लिक को मज़ा आए। पिक्चर बहुत अच्छी है। हमारे प्रोड्यूसर साहब अपने रतन जी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसमें सेकंड लीड संजय आशिक का कर रहे हो और बाकी तो पिक्चर आएगी आप लोग देखेंगे।